काल भैरव का आखिर क्या है रहस्य, से आज हम जानेंगे राहुल के साथ और ये भी जानेंगे कि आखिर राहुल का दिन किस तरह से बीतता है। तो चलिए आप हमारे साथ। ये जानेंगे कि हम कि किस तरह से राहुल का दिन शुरू होता है वैसे। ओके, सो मैं रेडी हूँ नहा धोकर और अभी मैं जो मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिन की जिसके बिना मेरी शुरुआत नहीं होती है वो है भगवान की पूजा। अब बारी आ गई है मेरा घर दिखाने की, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरी वॉल पर कृष्ण जी हैं जो पिछले साल मुझे एक मेरी फ्रेंड ने दिया था एंड शी वाज सो स्वीट बिकॉज उसको पता था कि मैं कृष्ण जी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी पर्सनैलिटी उनसे थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए शी गिफ्टेड मी दिस। जो ये वॉल देख रहे हैं इसमें ऑल माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, द पीपल हु आर रिलेटेड टू मी एंड हु आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, उन सब के पिक्चर्स हैं इसमें। दिस इज द बेस्ट पार्ट व्हिच आई हैव इन माय हाउस। व्हेनेवर आई स्टैंड एंड आई फील लो, अगर मुझे अपना दिन एंजॉय करना होता तो मैं यहाँ खड़े होकर पूरा दिन शायद मेरे ख्याल से रह सकता हूँ। तैयारी के साथ मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए दिन बहुत लंबा निकलता है और शूटिंग फॉर 12-15 आवर्स एंड डूइंग दिस इज़ नॉट ईजी। एंड ये मेरा प्रोटीन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शाम को मैं जिम जाता हूँ, तो ये हो गया है एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट जो कि मैं लेकर जाने वाला हूँ अपने साथ। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे काल भैरव रहस्य का, जिसका जो है आप देख सकते हैं कि पूरा सेट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारा मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में हम कहानी कह रहे हैं, काल भैरव रहस्य जो कहानी है, ये आप देख सकते हैं पूरा सेट उसका हमने रेप्लिका पूरा बनाया गया है। मंदिर की एक एक चीज़ आर्किटेक्ट से लेके छोटी से छोटी, जो ये देख सकते हैं आप सारा आर्किटेक्ट जो नक्काशी की गई है पूरा, तो इसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत समय लेकर ये बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है।
एंड मैं बोलूँगा कि जब आप महेश्वर जाकर वो मंदिर देखेंगे और जिस मंदिर का हमने रेफरेंस लिया है उस मंदिर को देखेंगे और इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। सो ये हमारा सेट है मंदिर का जो कि काल भैरव रहस्य की कहानी कहेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।